जय श्री कृष्ण मित्रों, पद्म पुराण के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में वरुथिनी एकादशी का व्रत कब रहेगा और इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म के व्रत त्योहारों में एकादशी का सबसे प्रमुख स्थान होता है। प्रत्येक मास में दो एकादशी तिथि आती है और सभी का अलग अलग महत्व होता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों में ऐसा बताया है कि संपूर्ण विधि विधान से यह व्रत करने से और पूजा करने से उपासक को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नाश होता है। इस बार यह एकादशी 26 अप्रैल 2022 को है। तो आज आपको हम बताएंगे इस व्रत का महत्व और इसका शुभ मुहूर्त, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वरुथिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। वरुथिनी एकादशी तिथि आरंभ होगी 26 अप्रैल 2022 को मंगलवार को रात्रि 1:36 पर आरंभ होगी। एकादशी तिथि का समापन होगा 27 अप्रैल 2022 बुधवार की रात्रि 12:46 पर समाप्त होगी। उदयात तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 26 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 27 अप्रैल को प्रातःकाल 6:41 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:22 के मध्य का समय रहेगा। इस अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो वरुथिनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए आपको? एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और प्याज लहसुन आदि का त्याग करके आपको यह व्रत धारण करना चाहिए। दशमी से ही इन नियमों का पालन आरंभ कर देना चाहिए। इसके अलावा जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वे एकादशी के दिन लहसुन प्याज और चावल का प्रयोग भूल करके नहीं करें। एकादशी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लेवें। इसके बाद घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलावें और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान करवाएं। वरुथिनी एकादशी पर भगवान की विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु जी को खरबूजे का भोग अवश्य लगाएं, इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो वरुथिनी एकादशी का महत्व धर्म शास्त्रों में इस प्रकार से बताया है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि वरुथिनी एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था। कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है उसे मृत्यु के उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है और जीवन भर सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मन को भी शांति और सुकून मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। इस व्रत का पारण करने के बाद उपासक को खरबूजे का दान अवश्य करना चाहिए, इससे भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।